गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू, टुडे आई विल टीच यू ईवीएस सब्जेक्ट लेसन नंबर 9, नेबरहुड सर्विस। ओके, नेबरहुड के बारे में आज हम जानेंगे। नेबरहुड सर्विस, नेबरहुड मीन्स जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो घर है, हमारे घर के आसपास जो एरिया है वो पूरा क्या है, नेबरहुड है। ओके, एंड सर्विस, सर्विस मीन्स क्या, आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ ना कुछ। ओके, से हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, कोई भी शॉप हो गया, कोई भी दुकान है, स्कूल है, मतलब हर एक चीज़ है आपके घर के आसपास, वो आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, अराउंड आवर हाउस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। हमारे हाउस के जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है, वो क्या है, नेबरहुड। ओके, देन सम प्लेसेस इन आवर नेबरहुड प्रोवाइड अस डिफरेंट सर्विस। हमारे घर के आसपास के जो एरिया में कुछ ना कुछ ऐसे प्लेसेस है, मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस है जो हमको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। तो चलिए हम आगे और देखते हैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होता है हमारे घर के आसपास में। ठीक है, नंबर 1 क्या दिया, वो हॉस्पिटल। अब देखिए, हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल होता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है। देन और क्या दिया, वो इसमें, व्हेन अ पर्सन फॉल इल, अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, हॉस्पिटल के पास। क्यों जाते हैं, ट्रीटमेंट कराने। ओके, एंड इल पर्सन इज ट्रीटेड एंड गिवन मेडिसिन। और जो डॉक्टर क्या करते हैं, जो बीमार होते हैं, जो इल पर्सन होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं ना। और अगर जो अगर कोई सीरियस हो गया तो उसको क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ठीक है, देखिए पिक्चर में डॉक्टर है एंड नर्स। डॉक्टर क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, और नर्स क्या करती है, वो हेल्प करती है डॉक्टर की। डॉक्टर की किस चीज़ में हेल्प करती है, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे के जाते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाना है, मेडिसिन देना है ना, वो पेशेंट का क्या करती है, केयर करती है, देखभाल करती है। ओके, जो भी बैंडेज होता है, जो भी पट्टी चेंज करना होता है, जो बैंडेज होता है, इंजेक्शन लगाने का काम, सारा चीज़ किसका है, नर्स का। ओके, हर कोई जाते हैं डॉक्टर के पास, है ना, सबको मालूम है ना, हमें सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं घर के पास में आपके एरिया में हॉस्पिटल होते हैं। देन बैंक, बैंक भी आपके घर के पास होता ही है। ओके, वी कीप अवर मनी सेफ इन द बैंक। हम मनी को बैंक में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सेफ रहता है वहाँ पे, है ना। अगर हम पैसे घर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मनी हम घर में रखेंगे तो वो चोरी हो जाता है, बट अगर आप बैंक में रखेंगे तो वहाँ नहीं होता है। और अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू द नीडी पीपल, जिनको पैसे की ज़रूरत है, बैंक उनको क्या देता है, लोन देता है। ओके, बैंक ऑल्सो हैव ATM, और बैंक के पास क्या होता है, ATM होता है ना, फ्रॉम विच वी कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम बाई यूजिंग अवर ATM कार्ड। सबको पता है ATM कार्ड कैसा होता है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ATM कार्ड दिखाती हूँ। ATM कार्ड देखिए, ये क्या है, ATM, सबने देखा है ATM कार्ड, है ना। आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे बैंक में, ATM में पैसा निकालने, मनी विदड्रॉ करने के लिए, है ना। सबके घर में ATM होता ही है, सबने देखा ही होगा, है ना। इससे क्या होता है, हम इजीली ATM मशीन में डाल के पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं, हमको जितना पैसा चाहिए हम ATM से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, वी नीड टू सेंड लेटर एंड पार्सल टू द पीपल, वी लिव फार ऑफ प्लेसेस, इट प्रोवाइड अस सर्विस ऑफ सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल। देखिए क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में हम किसी को लेटर भेज सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, है ना। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको लेटर सेंड करते हैं, पार्सल भेजते हैं। अगर हमको कुछ गिफ्ट भी सेंड करना है तो हम पार्सल से सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमको मनी भेजना है, पैसा भेजना है, तो भी हम पोस्ट ऑफिस में जाके पार्सल कर सकते हैं। ये देखिए एनवलप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पैसे डालते हैं, है ना। पैसे इसमें हम पैक करके, जो भी हमको जो भी भेजना है, लेटर भेजना है, पैसा भेजना है, हम इसको इसमें डाल के उसके बाद में क्या करते हैं, हम
पोस्ट ऑफिस में जाके इसको हम जमा कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, जिसके पास हम भेजना चाहते हैं वो वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है वो लेके चला जाता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर पुलिस एग्जीक्यूटिव देयर वर्क। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जो वो पुलिस क्या वर्क करता है, सबसे पहले तो पुलिस आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है सबसे पहले, है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको लोगों से बचा के रखता है, चोरों से, चोर से बचाता है, और अगर कहीं कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, है ना, वो सिटीज़न की हेल्प करते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वो अरेस्ट करते हैं, और क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में आप जब रोड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर भी पुलिस क्या करते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, है ना, वो अगर जो रूल फॉलो नहीं करता है वो क्या करते हैं, उनको पनिश करते हैं, है ना, सबने देखा है। देन उसके बाद फायर स्टेशन। अब फायर स्टेशन क्या होता है, अगर कहीं आग लग जाता है ना, तो क्या होता है, वहाँ फायर फाइटर्स जाते हैं, वहाँ क्या कौन जाता है, वहाँ फायर फाइटर्स जाते हैं आग बुझाने के लिए। वो कैसा होता है, बड़ी सी गाड़ी होती है, उसमें ये पाइप लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर से पानी आता है, फिर ये आग बुझाते हैं। ठीक है, फायर फाइटर्स कम इन अ फायर इंजन एंड पुट आउट द फायर। वो अपने फायर फाइटर्स जो आते हैं वो अपने गाड़ी में जो पानी लेके आते हैं, फायर इंजन लगा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस पाइप से वाटर को स्प्रे करते हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लग गई हो, कहीं मार्केट में आग लग गई हो, तो वो फायर फाइटर्स लोग आते हैं और आग को बुझाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल। अब स्कूल क्या है, सबको पता है, सभी जाते हैं स्कूल, है ना, स्कूल, द स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। स्कूल क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट प्लेस है, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल टू लर्निंग मैनी थिंग। हम स्कूल में जाके क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक डांसिंग, राइटिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग, गुड मैनर्स, है ना, सारा चीज़ हम, गुड हैबिट्स, सारा चीज़ हम स्कूल में क्या करते हैं, सीखते हैं। ओके, गुड मैनर्स सीखते हैं, सिंगिंग करना सीखते हैं, डांसिंग करना सीखते हैं, लर्निंग करना सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें स्कूलों में जाके सीखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ, पेट्रोल पंप। अब जो पेट्रोल पंप है, वी कैन बाय पेट्रोल एंड डीजल एट द पेट्रोल पंप। गाड़ी में पेट्रोल डलाना है तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे, है ना, और पेट्रोल पंप में और भी क्या दिया रहता है वहाँ पे, आप पेट्रोल पंप ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर सर्विस। पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल के साथ अदर सर्विस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा कम है, तो वो क्या करता है, आपके जो गाड़ी का जो टायर है उसमें वो हवा भी डाल के देता है। ठीक है, पेट्रोल के साथ साथ वो एयर प्रोवाइड भी करता है। ओके, देन अब मार्केट में देखिए क्या लिखा हुआ, मार्केट किसको बोलते हैं, अ मार्केट हैज़ अ नंबर ऑफ शॉप, जहाँ बहुत सारे शॉप्स होते हैं, वो पूरा मिल के एक मार्केट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर चाहे आप कन्फेक्शनरी का दुकान हो, शॉप हो, या स्टेशनरी, ओके, या टेलर हो, या ग्रीन ग्रोसर, मीन्स जो सब्जी बेचने वाले को बोलते हैं, ठीक है, देन बाबा, ओके, मैकेनिक, तो ऐसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, हर शॉप्स अलग अलग आपको प्रोवाइड करता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर वन में देखिए कन्फेक्शनरी का जो शॉप है उसमें ब्रेड, बिस्किट, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेकरी से रिलेटेड मिलते हैं। ओके, देन स्टेशनरी में कॉपी, बुक्स, पेंसिल, सबको मालूम है। ग्रीन ग्रोसर किसको बोलते हैं, जो सब्जी बेचने वाले को। बार्बर किसको बोलते हैं, जो हेयर कट करता है। ठीक है, देन मैकेनिक जो गाड़ी रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। देन टेलर जो कपड़े सिलता है, है ना, ये सारे चीज़ें एक मार्केट के अंदर में होता है, मतलब ये सारा चीज़ मिलके एक मार्केट बनता है। ओके, सबको समझ में आया है सारी चीज़ें। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप से आपको मैं कल सेंड करूँगी, तभी आप लिखेंगे। ओके, जितना भी बेटा मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये सबका आपका टेस्ट होगा एवरी सैटरडे। ठीक है, हाफ एली पोर्शन जो होगा आपका टेस्ट होगा। ठीक है।